वो सच्ची कहानी यहाँ पर घटित हुई थी, जब पाकिस्तान वालों ने 71 के अंदर 71 में यहाँ पर इस तरफ से कूच कर दिया था, मूव कर दिया था। वो चाह रहे थे कि रामगढ़ से होते हम और जैसलमेर से होते दिल्ली पर तक कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ पर वो लड़ाई लड़ी गई थी। जब एयर अटैक की बात आई तो एयर अटैक नहीं हो पाया था क्योंकि रात हो गई थी, लगभग 4 बजे के आसपास लिखा हुआ है, 4 बजे के आसपास वहाँ से कूच किया था और रात को 12 बजे उन लोगों ने हमला किया था। और हमला करने के पीछे ये रीज़न था कि रात को एयर अटैक तो मिलेगा नहीं, और 20,000 के आसपास उनके सैनिक थे, वो चाह रहे थे कि यहाँ से इनको डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि 120 के आसपास ही फौजी उस समय यहाँ पर थे, हमारे देश के जवान थे। और यहाँ पर जब सुबह एयर अटैक हुआ तो मिसाइल कुछ वो जो है एंटी टैंक मिसाइल है वो लगी हुई थी नीचे वहाँ पे, क्या उसको दो उनके टैंक बर्बाद हो गए तो वो वहीं रुके रहे और वहाँ देश के सैनिकों ने लोहा लिया। और देखिए सामने वहाँ टैंक पड़ा होना पाकिस्तान का टैंक है जो डिस्ट्रॉय हो गया था, उस तरफ ही गाड़ी है पाकिस्तान की जो छोड़ के भाग गए थे, यहाँ से बहुत कुछ छोड़ के भाग गए थे वो लोग। ये है पाकिस्तानी डिस्ट्रॉय टैंक, वहाँ पर झंडा दिख रहा है आपको, और ये पूरा अंदर से ऐसा है, पर खच्चे उड़ गए थे इसके, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ ये पाकिस्तानी गाड़ी है, हरे रंग किया हुआ है इसके, यहीं पड़ी हुई है। बहुत से लोग मारे गए थे, छोड़ के ही भाग गए थे।